वाह यार, कितना टेम्पटिंग बर्गर है मैकडी का। मुंह में पानी आ रहा है। प्रेरणा। हाँ जी। यार एक मैकडी का बर्गर ऑर्डर कर दे। ओके अभी कर रही हूँ। हर्ष आपका बर्गर आ गया। अरे वाह प्रेरणा, थैंक यू यार। वेलकम। यम्मी। वाव। प्रेरणा ये कौन सा बर्गर ऑर्डर किया तूने? जो तूने बोला था मुझे करने को। यार ये बर्गर वो थोड़ी ना, वो देख बर्गर। यार वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये क्या है यार, सीरियसली यार, ये दिखाते कुछ है देते कुछ और है। आई थिंक बर्गर मतलब बर्गर किंग। असली बर्गर किंग का बर्गर मंगाता हूं। ये बेकार, आई डोंट वांट दिस। ओके 2 मिनट्स में ऑर्डर करती हूं। 1 आवर लेटर। चलो खाओ अपना नया बर्गर। ओ वाओ, असली बर्गर मतलब बर्गर किंग, राइट। ये क्या है? क्या ये बर्गर? क्या होता है बर्गर यार? वहां देख कैसा बर्गर और ये कैसा बर्गर है। Let's try KFC का जिंगा बर्गर। ओके तो ये भी नहीं अच्छा लगा? नहीं यार, मतलब एड में दिखाते क्या है, होता क्या है यार? सीरियसली यार, मैं तेरे लिए KFC का बर्गर ऑर्डर करती हूँ। तो फाइनली ये रहा तेरा KFC का जिंगा बर्गर। आई होप ये ऐसा ही हो जैसा एड में दिखाया है। तो लग रहा है तो बहुत बड़ा है यार। सेम, फिर से चीटिंग। चीटिंग 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 करता है तू। दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है गाइस। तो गाइस आज हम करने वाले टीवी एड इंडस्ट्री का पर्दाफाश। आपको दिखाने वाले कुछ ऐसे चित्र जो आपके विश्वास को झिंझोड़ के रख देंगे। लिटरली आपको पता लगेगा कि आपको टीवी एड्स में दिखाया जाता है कुछ और मिलता है कुछ और। और हम ट्राई करने वाले हैं आज सारे फूड हैक्स जो कि टीवी कमर्शियल्स यूज करते हैं। आपको बेसिकली दिखाने वाले हैं कि कैसे टीवी कमर्शियल्स में इनको और ब्यूटीफाई करा जाता है। सब में ट्रिक्स होती है यार। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो पर्दाफाश करते हैं इस टीवी एड इंडस्ट्री का और आपको दिखाते हैं कुछ अमेजिंग हैक्स। तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं रियलिटी मैकडी के फ्राइज कैसे दिखाए जाते हैं आपको एड्स में। एग्जैक्टली exactly. वैसे रियलिटी में तो ऐसे होते हैं जब हम घर लेके आते हैं, ये इनकी रियलिटी। मर चुके हैं बेचारे, मौत हो गई है इनकी। अब आपको दिखाते हैं कि इन्हें एड्स में कैसे बनाया जाता है। स्पंज के ऊपर हम लगाने वाले हैं बहुत सारी ये टूथपिक्स। हेल्प मी प्लीज। अब लगाते हैं इसके ऊपर फ्राइज। सो मेन काम इनका एडवर्टाइजर्स का ऐसा होता है। कितनी मेहनत करते हैं एडवर्टाइजर्स हमें उल्लू बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये फूड कितना टेम्पटिंग है, खाओ इसे खाओ। एड दिखते ही ऐसे हो जाता है कि यार कितने अच्छे लग रहे हैं, ये तो मुझे खाने ही खाने हैं। काफी मेहनत का काम है गाइस और ऐसे चला जाएगा ये स्पंज इसके अंदर और हमें क्या दिखेगा, सिर्फ ये प्यारे प्यारे से फ्राइज। तो गाइस ये धोखा अब आपकी आंखों के सामने है, हमने आपको ट्राई करके दिखाया है। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं यार ये वाले फ्राइज, मतलब रियलिटी में सच में देखो यार। ऐसे कभी मिले आपको आपके फ्राइज? कभी भी लाइफ में आप मैकडी गए हो और आपको ऐसे फ्राइज दिए हो? कमेंट्स में बताओ अगर आपको ऐसे फ्राइज मिले। मैं भी मान जाऊंगी। बनते ही नहीं यार ऐसे फ्राइज, बन ही नहीं सकते क्योंकि वो सौगी हो जाते हैं। ये धोके खाने के धोके है टेस्टी पर है तो धोखा। अब ये पिज्जा बना रहे हैं और पिज्जा के अंदर इन्होंने लगाया स्क्रू। हमारा टेस्टी पिज्जा आज ये रुइन करने वाले। ओके तो ये पिज्जा पे इन्होंने स्क्रू लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि वो वहीं पे स्टेबल रहे। हाँ। एंड अब ये ग्लू ले रहे हैं। इन्होंने ग्लू लिया है चीज की जगह। ये लोग बीच में, ओ माय गॉड, जो हमारे पिज्जास को ऐसे हम पुल करते हैं वो इतना पिज्जा कहते हैं। एग्जैक्टली गाइस, आप लोगों को आज तक कितना ज्यादा लाइक करा गया। मैं हर बार सोचता था उस ब्रांड पे जाते हैं उसका पिज्जा ज्यादा अच्छा होगा। एग्जैक्टली इतनी बड़ी सच्चाई चीज बस पिज्जा के पीछे। क्या हुआ अजी? शॉक लगा है, शॉक। अजी शॉक लगा है, शॉक। तो ग्लास के अंदर सोप डाला है एंड अब ये क्या करने वाला है? क्या खुराफा के दिमाग लगाएंगे अब ये? बियर डाली है इसके अंदर जिसके अंदर इतनी सारी फ्रॉथ आ गई है। तो बेसिकली सोप जो होता है वो फ्रॉथ क्रिएट कर रिटेन रखता है, बताओ उसको। ओ माय गॉड, विदाउट सोप पूरी फिज अंदर चली गई और उसके साथ वी शुड ट्राई दिस, देखते हैं चलता है नहीं। गाइस अब हम आपको दिखाएंगे कि बियर कंपनीज आपको कैसे उल्लू बनाती है। सच में यार, मतलब कैसे दिखाते हैं कितनी ज्यादा फिज है ना। चलो हम लेके आए ये बटवाइजर की नॉन अल्कोहलिक बियर। या लेट्स ट्राई। तो अब इसमें डलेगा एक मैजिक ट्रिक कि इसके अंदर थोड़ा सा हम सोप मिक्स करेंगे
सोप. लेट्स पोर पोर पोर. ओके आराम से जाते हैं. तो आप देख सकते हो दोनों की फेस कितनी ज्यादा बनी है. मतलब ये देखिए मेरी फेस तो खत्म लिटरली. गाइस यू कैन सी द डिफरेंस. मैं थोड़ी और डाल देता हूँ. श्योर. ओह माय गॉड कितनी स्टेबल है तेरी फेस देख रही है तू. एग्जैक्टली कितनी ज्यादा स्टेबल है देख रहे हो आप. A few moments later. This is strange. This is crazy. मैं तो सोचा भी नहीं था कि actual में ये इतना face बना देगा और stable है. Stable रहेगा. यही तो main trick है. Stable रहेगा. Noodles लिए हैं and noodles के ऊपर ये क्या डाल रहे हैं इतना beautiful सा glucose syrup. Syrup से क्या करेंगे अब ये? वो एकदम shiny सी एक texture देगा और फिर वो ads के अंदर बहुत ही ज़्यादा fresh दिखेंगे noodles हर. ऐसे नूडल्स नहीं होते जैसे हम बना लेते हैं बोल में ले आते हैं ऐसे कच्चे पक्के से पड़े होते हैं वैसे नहीं है. विदाउट ग्लूकोज वो शाइन नहीं देते हर. लिक्विड लिपस्टिक लिए स्ट्रॉबेरीज को और रेड दिखाने के लिए. माय गॉड स्ट्रॉबेरीज और मेकअप. आई कांट लिव विदाउट बोथ. इन्होंने कैसे मिक्स कर दिया इसको. कितना ज्यादा मतलब मेरे दिमाग से खेल रहे हैं यार. मतलब इमेजिन स्ट्रॉबेरीज की फ्रेशनेस और उसको रेड दिखाने के लिए. इमेजिन हम जो बाहर स्ट्रॉबेरीज लेने जाते हैं वो हमारे साथ ऐसा करे. नहीं यार उस पे होता है स्प्रे. तो होता है ये फ्रूट्स पे स्प्रे करते हैं यार. माय लाइफ हैज बीन अ लाई. मुझे बचपन से सिंस चाइल्डहुड ये सारी चीजें देखी है मैंने एंड आज ऐसा लग रहा है दैट एवरीथिंग इज अ लाई. सब धोखा है. जोर से बोलो सारे बोलो. अरे अंकल बोले. अरे आंटी बोले. पैनकेक्स. इन्होंने पैनकेक्स के अंदर कार्डबोर्ड्स लगाए हैं उसको हाइट देने के लिए. उसके ऊपर बटर लगाया मेल्ट करा उसे प्रॉपरली एंड मेपल सिरप डाला. नो हर्ष दैट्स नॉट मेपल सिरप. इट्स इंजन ऑयल. इंजन ऑयल डाला है. इंजन ऑयल. धोखा. माय गॉड हम लोग जर्मनी में कितना ज्यादा पैनकेक्स खाते थे. हमने वहीं से एक्चुअली में पैनकेक्स खाने स्टार्ट किए थे. वहीं पर ही देखे थे ऐसे एड्स. और एग्जैक्टली और इसके ऊपर मेपल सिरप डाल के खाते थे. इतना टेस्टी लगता था डिलीशियस. और आज पता लगा एड्स में ये क्या दिखाते हैं. तो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये 6-6 पैनकेक्स ईच. आप देख सकते हो दोनों की शेप विड्थ हाइट एकदम सेम है. बट अभी हम इससे कमर्शियल वाला बनाने वाले हैं और ये रियली में कैसे होते हैं ये दिखाने वाले हैं. तो चलो प्रेरणा पहले रियल वाला बनाओ. रियल वाला कैसे है. नॉर्मल 6 पैनकेक्स रखे हैं हमने. नॉर्मली इसके ऊपर चीज रखते हैं. चेरी ऑन द टॉप सेट हो जाए बस. ओके फाइनली एंड इस पर डालेंगे हम मेपल सिरप. सो यम्मी. काफी ड्रूल वर्दी लग रहा है यार. तुम दिखाते हैं कमर्शियल में कैसे बनाए जाते हैं. बेसिकली गाइस इस पे जो है ना हाइट ऐड करी जाती है और हाइट ऐड करने के लिए लगाया जाता है कार्डबोर्ड. तो अब आप देखना मैजिक. मैजिक. ऑलराइट. ओके ओह माय गॉड. अभी देख रहा आप जंबो हो गया एकदम. सेम पैनकेक्स है सेम नंबर ऑफ और जंबो. तो आप देख सकते हो दोनों साथ में पड़े. इसमें कितनी हाइट है. इसमें बिल्कुल हाइट नहीं है. एंड अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे मैजिक डलता है इसके ऊपर. एग्जैक्टली. तो हम इस पे मेपल सिरप नहीं डालते बिकॉज मेपल सिरप क्या करता है. अभी जब हमने इसको पहले पहले डाला था तो कितना ड्रूल वर्दी लग रहा था. अभी चेरी की वजह से काफी अच्छा लग रहा है. बट देखो गाइस ये सॉगी हो गया और मेपल सिरप की वजह से ये बिल्कुल ऐसे एक सूख सा गया एकदम ना. इसमें डालते हैं हम मोटर ऑयल. तो गाइस हमने इस पे लगाई है अपनी चेरी एंड चीज एंड अब इसमें हम डालेंगे. ओह माय गॉड अब ये बिल्कुल ऐसे ही रहे. तो गाइस आप देख सकते हो दोनों को यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस है. लाइक इसके अंदर इतनी हाइट है. ये बहुत शाइनी है. ये सॉगी हो चुका है बट मैं इसे फिर भी खा सकती हूँ. इसको ट्राई करना. मैं इसको खा सकती हूँ क्योंकि ये रियल है. देख रहे हो कमर्शियल वाला कोई नहीं खाता. बस वो ऐसे दिखाते हैं डिसेप्शन. पूछ रहे हो गाइस कैसे आपको टेम्प्ट किया जाता है लुभाया जाता है कि आओ और हमें खाओ. खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ. जो दिखता है वो बिकता है. कीप इट कमिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है. एस्पिरिन डाली सोडा डाला सोडा ताकि फिज ना जाए. ओके सो एड्स में सोडा में जो फिज डाली जाती है वो बेसिकली इनो या फिर एस्पिरिन होती है. वी शुड ट्राई मेकिंग दिस लॉन्ग लास्टिंग. या चलो ट्राई करते हैं वाला है. हम दोनों में असली आइस डाल रहे हैं. देखते हैं क्या होता है. इनो का पाउच डाल दो इसमें. तो बेसिकली जो एडवर्टाइजर्स है वो एंटासिड यूज करते हैं. एंटासिड से फिज बनती है. एस्पिरिन.
एस्प्रिन, एंटासिड, इनो कुछ भी कह सकते हो, इसमें तो ऑलरेडी फेस बन रही है, तो होपफुली ये फेस हमें गंदा नहीं करेगी। हियर वी गो, ये है हमारा नॉर्मल सादा सोडा, बेचारे की फेस बनती है और 2 मिनट में वो खत्म हो जाता है। और ये है हमारा इनो वाला। अब इसके बाद इसको ब्यूटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, स्प्रे। बेसिकली इस पे हर तरफ से स्प्रे फेंका जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। वो फेस उठ ही जा रही है बार बार कॉन्टिन्यूसली, लाइक आप देख सकते हो पास से काफी ज्यादा फेस उठ रही है ऊपर ऊपर। जैसे वाटर भी स्प्रे कर दिया ना तो एकदम ये रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, देखिए ना, ठंडा मतलब कोका कोला। ओके, ग्रेप्स लिए हैं एंड इसके ऊपर जॉनसन बेबी पाउडर डाल रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं यार इसकी। हाँ, प्रॉपर जो पेंट ब्रश होता है उसे, आई डोंट नो कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, मेकअप कर रहे हैं यार ये। ओके, सो इन्होंने इसके ऊपर पानी स्प्रे करा। ओके, तो आई थिंक जो ये पाउडर है, जब इसके ऊपर पानी स्प्रे करा जाता है तो वो एक फ्रेशनेस वाली फील देता है और आपके जो ग्रेप्स है वो ज्यादा शाइन करते हैं, लाइक रियली शाइनी, शाइन लाइक अ डायमंड। शो तो ऐसे ही करते हैं डायमंड यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार ये कितने स्मार्ट है या हम कितने फूल है। तो यहाँ पे इन्होंने पेस्ट्री लिया है, इसके ऊपर फोम लगाई है। ओ, तो जो हम लोग आइसिंग करते हैं केक्स पे, पेस्ट्रीज में, ये लोग एक्चुअल में फोम यूज करते हैं। व्हिप क्रीम नहीं होती वो, एग्जैक्टली, दैट्स फोम माय फ्रेंड, इट्स अ लाई, सब कुछ धोखा है। कप में ऑरेंज सोडा डाली है, ऑरेंज सोडा के अंदर इन्होंने टिश्यू डाला एंड स्टिक यूज करके उसे स्टर कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं ये, उसकी पूरी कलरिंग निकाल ली है और नैपकिन के ऊपर आ गई है। सो बेसिकली इट्स ऑल सोडा और उसके अंदर कलरिंग होती है, केमिकल कलरिंग, एग्जैक्टली। सो ये जो हम ऑरेंज कोलास पीते हैं गाइस, इसका सच अब आपके सामने है, यू डिसाइड ऑरेंज कोला और नो कोला। जस्ट स्ट्रेटेजिकली साइड साइड्स पे लगाई ताकि एड्स में वो ब्यूटीफुल लगे और हमें ऐसा लगे कि वाओ, हम जो यूजुअली बर्गर बनाते हैं भर देते हैं उसके अंदर केचप, exactly. और यहाँ पे सिर्फ साइड साइड्स पे ताकि वो ड्रिप करे और हमें एकदम माउथ वाटरिंग लगे। और तभी तो तूने ऐसे इतने 3-3 बर्गर मंगा लिए, आज के बाद ऐसे मत करना, नकली बर्गर। आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक राइट नाउ, मुझे तो शॉक लगा शॉक लगा। मेरा भी हाल है यार, मैं फेविकोल वाला पिज्जा नहीं भूल पा रहा। आई थिंक इतना कुछ एक ही दिन में डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है। आई एम श्योर आप लोगों को भी काफी सारी चीजें आज ही पता लगी होंगी कि ये स्ट्रेटेजीज कैसी होती है, कौन सी ट्रिक्स होती है। एंड हमने जो ट्राई करके देखी, आई थिंक हम और भी ट्राई कर सकते थे, बट मे बी इन पार्ट 2। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा वियर्ड और मे बी शॉकिंग ट्रिक कौन सी लगी, और कोई आपने ट्रिक ट्राई भी करी ये भी बताना। एग्जैक्टली, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। सब्सक्राइब वॉन्डर्स अप, अभी तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 1 मिलियन होने वाले हैं गाइस, होपफुली इस वीडियो के बाद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.